आज हमारे बीच मौजूद है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की फरज शेख, महाराष्ट्र अध्यक्ष। आज हम बात करेंगे फरज शेख से। फरज शेख, एफ के स्टूडियो में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम लोग कुछ अहम मुद्दे पे बात करेंगे आपसे कि अब तक आपने ज्यादा जो फोकस किया है वो आपने टोरेंट के मुद्दों पर किया है, और क्यों किया है इसके बारे में जरा जनता तक आप बताइए, उससे जनता का क्या लाभ होगा और कितना वो लोग मतलब उससे सहमत रहेंगे आपके इस काम से। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बात तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद आपके नए चैनल के लिए। अच्छा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, इंशाल्लाह आपका चैनल बहुत अच्छा चले। और आते हैं अपने सवाल पर। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे टोरेंट का देखिए मसला ही यही था, हर किसी को बहुत अच्छे तरीके से पहले से पता था कि अगर टोरेंट आएगी तो हर घर उसके ऊपर अफेक्ट होगा। हर आज वही हो रहा है। तो हम लोगों का ये था कि टोरेंट नहीं आना चाहिए। जो उस वक्त जो सत्ता में लोग थे उन्होंने बहुत बड़े बड़े जुमले दिए थे इस बात के लिए, लेकिन फिर भी जो टोरेंट है वो मुमरा में आई और हर घर उससे मुतासर है। तो हमारी जो लड़ाई है अभी ओवर, देखिए इसमें कुछ ये जो टोरेंट का मसला है जो वो है वो स्टेट लेवल का मसला है। और जहां तक रही बात लड़ने की, हम जो है ऐसे ऐसे मुद्दों को लड़ रहे हैं कि हम टोरेंट पर एक तरीके पर थोड़ा कंट्रोल रख सके ताकि वो अपना नेक्स्ट लेवल तक जाके लोगों या कंज्यूमर को परेशान ना करे। जैसे हम लोगों ने इससे पहले जो है पीडी के ऊपर जो हमारा जेल भरो आंदोलन हुआ था, उसके अलावा एफआईआर के ऊपर हमने किया था। कंटिन्यूसली बहुत ज्यादा एफआईआर जो है मुमरा के लोगों के ऊपर हो रही थी। उसके बाद जो है अभी रिसेंटली हम लोगों ने जो इन लोगों का मास कैंपेन चल रहा था, सडनली जो मीटर बदली कर रहे हैं, मीटर चेंजिंग का जो अभियान चल रहा था, जो कुछ क्राइटेरियाज पे बेस्ड होता है, आपने वो क्राइटेरिया जो है फुलफिल ना करते हुए आपने हर किसी को नोटिस दिए कि हम आपको एमएसडीसीएल का मीटर हटा कर जो है वो आपको टोरेंट का मीटर लगाना पड़ेगा, जो कि हर किसी पे लागू नहीं। आपने ये आपने अपनी नोटिस में ये मेंशन नहीं किया कि भाई आपका जो मीटर है 3 साल पुराना हो गया, 5 साल पुराना हो गया। तो ऐसे टेक्निकली अगर देखा जाए तो जो रूल है कि आपको इतने साल में चेंज करना पड़ता है, आपने वो नहीं दिया। आपने क्या बोला कि आपको रेगुलेशन सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी से रेगुलेशन से जो है आपको गाइडलाइंस आई है कि मीटर चेंज करना है आपको, और आपने अगर ना चेंज किया तो आपके ऊपर जो है वो आपकी जो लाइट है वो डिस्कनेक्ट की जाएगी, और कुछ सेक्शंस बताते हुए बताया गया कि आपके ऊपर वो लागू हो जाएंगे और आपके ऊपर केस होगा उसके ऊपर। यानी ये लोग हर किसी चीज में आपको धमकी देते हैं। टोरेंट वाले जो है हर चीज में आपको धमकी देते हैं, हर जगह आपको दबा के रखते हैं कि टोरेंट को इसीलिए लाया गया था यहाँ पर ताकि यहाँ के लोगों पर, मुमरा के लोगों पर जो है वो इस तरीके से जुल्म हो। तो ये सारी चीजों के ऊपर जो हमने काम किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये बताते हुए बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि हम लोगों ने जो ये मीटर चेंजिंग का जो मास अभियान जो चलाया था, ये लोगों ने जो चल रहा था, हम लोगों ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लेना जो है वो बताया कि किस तरीके से इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लेना चाहिए, और मुमरा के लोगों ने वो बात को समझा। अच्छा। जहांगीर भाई उस बात को समझा। अच्छा। और कानून को जो है अपना हथियार बनाते हुए लोगों ने ऑब्जेक्शन लेटर जो है वो टोरेंट में दाखिल किया, और अल्हम्दुलिल्लाह। और अच्छी बात ये लगी मुझे कि टोरेंट वालों ने उनको रिस्पांस किया, उनको कॉल आया और हम लोगों को बोला गया कि आप आइए हम बैठ के बात करेंगे इस बारे में। और कुछ कुछ जगहों पे जैसे जीवन बाग का एरिया है, कादर पैलेस का एरिया है, किनको कॉल आया और क्यों बैठ के बात करेंगे, ऐसा क्या इन्होंने गलती की जो बैठ के बात करने की नौबत आ गई टोरेंट की। तो अभी मसला यही है ना, मैं यही बोलना चाह रही हूँ कि अब वो लोगों ने बोला कि आप बैठ गए, क्योंकि इनको पता चल गया ना कि लोग अपने जो है वो हक को जानना शुरू कर दिए, लोगों को पता है कि कानून किस तरीके से काम करता है। और हमेशा एक बात याद रखिएगा, इंसान जो है ना वो कानून की जब बात आ जाती है ना तो हर कोई जो है वो डरता है। ठीक है, तो इसलिए क्यों डरता है? कानून जो है वो एक्चुअली किसी को अपना हक दिलाने के लिए वो होता है। कानून से किसी को मतलब डरना नहीं चाहिए, क्योंकि कानून उनकी सेफ्टी के लिए बना है, कानून उनकी प्रोटेक्शन के लिए बना है। फिर क्यों डरते हैं मुमरा शहर के लोग? वो लोग अवेयर नहीं है ना। अच्छा, अवेयर नहीं है। अगर मुमरा में मुझे लगता है कि ठीक तरीके से अगर अवेयरनेस क्रिएट की जाए हर मामले में तो लोग अपना केस खुद लड़ेंगे। ये लोकल एमएलए कॉर्पोरेटर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी उन लोगों को। क्या बात, ये उन लोगों को जरूरत नहीं। अगर लोग जो है अपने हक
सबको जानना शुरू कर दे और अपने उनको पता चल जाए कि उनके राइट्स क्या है, तो मुझे नहीं लगता कि वो लोग खुद अपनी जंग लड़ सकते हैं, मुझे जाते लगता है। टोरेंट आने से पहले कई संस्थाएं, कई पार्टियां, इवन एमएलए राजू पाटिल जो मनसे से हैं, तो उन्होंने भी काफी विरोध किया था और भी बहुत सारे, आपको पता ही होगा कि धरना प्रदर्शन बहुत बड़े पैमाने पे हुआ था। तो कहीं ना कहीं जाके ऐसा क्या कर दिया टोरेंट कंपनी के कुछ अधिकारियों ने कि वो कौन सी लॉलीपॉप दे दिया जो ये लोग सारे के सारे चुप बैठ गए। देखिए, मैं जिस तरीके से बताया ना, ये जो धरना वगैरह हो रहा था, अगर आपको याद होगा तो ये 2019 के आसपास की बात है जब एमएलए इलेक्शन होने वाला था, ठीक है। और आपको तो पता है कि ये जितनी ये जो जो दो टेन्योर से सत्ताधारी यहाँ पर जो पार्टी चल रही है एनसीपी पार्टी, ये कहीं ना कहीं पब्लिसिटी स्टैंड ही करती है। जहाँ इलेक्शन आने वाला होता है वहां पर वो जाग जाती है, जहाँ पर इलेक्शन आता है उनका जो काम है वो और फास्ट हो जाता है, ठीक है। इन लोगों का काम है ना डेवलपमेंट वाला काम नहीं है, इलेक्शन सेंट्रिक इन लोगों का काम होते हैं, ठीक है। इलेक्शन सेंट्रिक वर्क में बोलूंगी उनका, यानी जहाँ दिखता है इलेक्शन का न्यूज आ रही है, इलेक्शन होने वाले, यहाँ पर उनके काम में तेजी आ जाती है। अच्छा। और अगर इलेक्शन नहीं है तो वही अपना नॉर्मल उनका चलता रहता है कुछ ना कुछ। लेकिन उस वक्त मैं आपको बता दूं कि इतने जो धरना प्रदर्शन करने की जो बात हुई है, जो मतलब किसी ने जिसने इसने किया, अपने अपने स्टेटमेंट दिया, बाकी किसी ने बोला कि भाई हमारी सरकार आएगी तो हम आने नहीं देंगे, ऐसे कई जुमले बोले गए थे। लेकिन क्यों बोले गए थे? क्योंकि इलेक्शन था। हाल ही में एक उन्होंने एक वीडियो जाहिर किया है, पब्लिश किया, वायरल किया है, विधायक जितेंद्र अवार्ड ने जी, वो क्या उसकी डिटेल्स है और उन्होंने मतलब क्यों इसको वायरल किया है उसके बारे में? देखिए, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो ऑब्जेक्शन जो मुंबई के लोगों ने उठाया, ये उसकी वजह से हुआ है जहां तक मुझे समझ में आ रही है चीजें और जहां तक मैं लिंक कर पा रही हूँ उसको। दरअसल क्या हुआ था, जैसे ही मास ये मीटर चेंजिंग का जो अभियान चलने लगा, लोगों ने यहाँ से अभियान चल रहे हैं, यहाँ पर लोगों ने अपने ऑब्जेक्शन आने शुरू किए सैकड़ों की तादाद में टोरेंट में जो है वो क्या अरे बहुत ऑब्जेक्शन लेटर्स आए। अच्छा, कितने लोगों को हम लोगों ने फिर क्या किया, मुस्लिम लीग ने एक ड्राफ्ट बना के दिया। अच्छा। उसके अंदर आप सिर्फ अपना अपना बिल्डिंग का नाम और अपना नाम, एड्रेस वगैरह, कॉन्टेक्ट नंबर डालो, बाकी पूरा फॉर्मेट हमने रेडी करके दिया और पूरे मुमरा में उसको सर्क्यूलेट किया और बहुत बड़ी तादाद में जो है वो टोरेंट में जो है ऑब्जेक्शन लेटर्स जाने लगे। अब टोरेंट वालों ने बोला होगा बीच के दलाल को, अच्छा, के भाई ऑब्जेक्शन लेटर्स आ रहे हैं, हमको मीटर चेंज करने नहीं मिल रहा है, ये सब। तो मुझे लगता है कि अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की उन्होंने ये वीडियो बनाकर। जिन मुंबरा वासियों के पास आज भी एमएससीबी के मीटर है, उनसे दरखास्त है कि वो जाके टोरेंट में वो मीटर बदली कर ले और जब वो मीटर बदली करेंगे तो उनका जो पुराना इतिहास है वो पोंछ दिया जाएगा और उसके बाद मीटर लगाने के बाद टोरेंट का बिलिंग शुरू हो जाएगा, पहले का जो भी बिल था उसकी कोई चर्चा न करें। दूसरी चीज़, टोरेंट का बिल जो आपके पास आता है वो टोरेंट का बिल ही आप भरिए, बाजू में लिख के जो भी आता है उसके ऊपर ध्यान मत दीजिए। मैं क्या बोल रहा हूँ ये आपको समझ में आया होगा कि टोरेंट के बिल के बाजू में एमएससीपी का वो भरा नहीं है, वो भी लिखा लिख कर आता है, आप उसको नज़रअंदाज कीजिए, लेकिन टोरेंट का बिल रेगुलर भरिए। अब जिसका भी पीडी है और वो नया मीटर लेना चाहता है तो उस पीडी वालों को नया मीटर दिया जाएगा, उसके चॉइस का दिया जाएगा और उसकी जितनी भी पीडी की अमाउंट है वो 7 हफ्तों में डिवाइड की जाएगी और वो 7 हफ्तों में भर सकता है। इसके बाद पीडी के ऊपर जिसका भी विजिलेंस केस है तो आप पीडी की बात कीजिए, विजिलेंस की हम बाद में बात कर लेंगे। लेकिन अब अगर सुधार लाना है तो इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। जैसे कि टोरेंट का बिल भरिए, बाजू में जो बिल भरा है उसकी तरफ ध्यान मत दीजिए। पीडी में आपको 7 महीने में दिया है, 7 महीने में आपका पीडी आप भर दीजिए। पीडी के साथ विजिलेंस हुआ है तो विजिलेंस बाजू में रखिए, जाके पीडी भर के आइए। और ये सब आप 45 दिन में खराब कर खत्म कर दीजिए ताकि अच्छी नई जिंदगी मुमरा में शुरू हो जाएगी। और ये सब
योजना जो है वो 15 नवंबर तक लागू है। मैं फिर से एक बार दोहराता हूं, एमएसईबी की मीटर है, बाजू में निकालिए, टोरन का मीटर लगा लीजिए, टोरन का बिल आना शुरू हो जाएगा, एमएसईबी को भूल जाइए। दूसरी चीज, पीडी और विजिलेंस साथ में है तो पीडी भरिए, विजिलेंस बाद में देख लेंगे। जो भी पीडी है, बिल है, उसको 7 महीने का बंटवारा किया जाएगा। आप मीटर ले लीजिए, 7 हफ्ते में उसका बंटवारा किया जाएगा, और ये सब आपको 45 दिन में करना है। पक्का? मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आप एक एक प्राइवेट कंपनी के लिए आप एक सिटिंग एमएलए ने बोला, सही, उनको क्या जरूरत आन पड़ी कि उनको ये बोलना पड़ा एक प्राइवेट कंपनी के लिए कि भाई आप जो है उनका एमएसईडीसीएल का मीटर हटाओ और जो है टोरेंट का मीटर लगाओ, तभी आपका जो वो पीडी का जो अमाउंट है उसको हम भूल जाएंगे, या आधा उसको साइड में रखो, या विजिलेंस केस। आपने इतनी सारी स्कीम्स अपनी तरफ से देना शुरू कर दी, यानी इतनी क्या जरूरत आन पड़ी कि हमको जो है वो एमएसईडीसीएल का मीटर हटाना ही और टोरेंट का ही लगाना है। ठीक है, तो ये सारे ये वीडियो, ये अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब ये जो मुमरा के लोग जो ताकत और वाकई मतलब उनको तकलीफ है इसलिए वो आप तक पहुंचना चाहे और उससे आप खुश है। मुझे खुशी इस बात की कि लोग अपने लिए खुद खड़े हो गए, जो बहुत ज्यादा जरूरी है, एक पर्सनल लाइफ हो या कहीं पे भी हो, सोसाइटी में हो, अगर आप अपने लिए खड़े हो सकते हो तो ही आप अपनी जंग जीत सकते हो, क्योंकि पीछे से हर कोई आपको सपोर्ट करेगा, हर कोई सजेशन देगा, हर कोई हर चीज देगा, लेकिन करना किसको एट द एंड, हमको खुद को करना है ना। अगर हमारे साथ कुछ बीत रही है, आप मुझे आगे सजेशन दोगे, बाहर वाले आगे सजेशन देंगे, लेकिन एट द एंड फाइनल डिसीजन किसको लेना है, मुझे खुद को लेना है ना। तो इसलिए आज मुझे इस बात की बहुत खुशी कि मुमरा वालों ने अपने लिए स्टैंड लिया। अच्छा, माशाल्लाह। टोरेंट, क्या ये स्टैंड या फिर एक्टिविटी आपकी पार्टी या आप कर रही हो शहर के अंदर, क्या ये आप अपनी पार्टी को चमकाने के लिए कर रही हो? देखिए, मैं तो बोलूंगी आपको, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग एक ऐसी पार्टी है जो आजादी के बाद से है और आज तक है। बस ये हो सकता है कि शायद कुछ ब्रेक आ गया होगा उसके अंदर, लेकिन आज भी मुस्लिम लीग के चाहने वाले, बन्नात वाला साहब के चाहने वाले जिंदा है जो आपके सामने बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये आजादी के बाद जब माइनॉरिटी, जब पार्टीशन हुआ था और इंडिया में कुछ जो मुसलमान बच गए थे और उनके लिए कहा गया था कि अब इनके सेफगार्ड के लिए कौन काम करेगा, तब जो है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का जो है वो बनाई गई थी, तब उसकी बुनियाद हुई थी। तो तब से लेके आज तक वो एक सेक्युलर पार्टी सिर्फ बोलने के लिए नहीं है दूसरी पार्टीज की तरह। अच्छा। वो सेक्युलरिज्म के साथ साथ जो है वो माइनॉरिटीज के सेफगार्ड का भी काम करती है, चाहे फिर वो सीए एनआरसी का मसला हो या वहां पर इलीगल डिटेंशन का जो हुआ था उस चीज के बारे में हो, हर चीज पर जो है वो, ये जो बुलडोजर चलाए गए थे दिल्ली में, वहां पर ये शाहीन बाग का मसला हो या किसी भी इसका मसला हो, मुस्लिम लीग हर जगह वहां पर जाकर पहुंची है। मैं उस चीज की खुद गवाह हूं, क्योंकि मैंने खुद देखा है जामिया मिलिया में भी जो बच्चों ने सीए एनआरसी के अगेंस्ट जो है वो प्रोटेस्ट किया था, उनको जो है वो लीगल डेट दे के उनको बरी कराने का काम भी मुस्लिम लीग ने किया है। तो मुस्लिम लीग जो है वो हमेशा से माइनॉरिटीज के लिए काम करती है और वो अपने आप में एक खुद चमक है, उसको और क्या चमकाना है। तो हम कोशिश करते हैं कि उसकी जो मेरे लिए बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट ये क्यों इम्पोर्टेंट, ऐसा क्या मतलब, क्या लाभ लेना चाहते हो उस पार्टी से? पार्टी से लाभ क्या लेना, पार्टी से लाभ लेने की जैसे पार्टी ने हमको लाभ दिया है, ठीक है। देखिए, बाकी सारी पार्टीज मुझे ना पता नहीं क्यों, मुझे बहुत फेक लगती है। अच्छा, क्योंकि आपकी आइडियोलॉजी जो होती है ना, आप उसके ऊपर खरे नहीं उतरते, लेकिन मुस्लिम लीग पार्टी मुझे एक ऐसी लगी जो आइडियोलॉजी है वो उसी पर काम करती है, यानी वो सेक्युलर तो है। आज आप केरला, तमिलनाडु वगैरह जगह पर जाकर देखोगे, वहां पे बड़ी से बड़ी तादाद में नॉन मुस्लिम और अदर रिलीजन वाले भी मुस्लिम लीग को फॉलो करते हैं। अच्छा। मुस्लिम लीग नाम होने से इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ मुसलमान उसके अंदर जुड़े हुए हैं, उसके अंदर हर मजहब के लोग जुड़े हुए हैं, इसको सेक्युलर। तो ये
किस कास्ट के और भी लोग? हर हर चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, आप तमिलनाडु में, केरला में जगह उठा के ऐसा कोई उदाहरण आपके जहन में हो? नहीं, मतलब मेरा बोलने का मतलब है कि हर पार्ट वहाँ पर हर रिलीजन वाले उसको जो ज्वाइन करते हैं, मेरा ये बोलने का ये मतलब है। और वहाँ पर से जो है उनके मतलब हर जो रिलीजन वाले है ना वो मुस्लिम लीग को पसंद करते हैं वहाँ पर। आज 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 अभी हमारे यहाँ पर देखिए, एक मेरे डैडी के एक फ्रेंड है अय्यर, उनका वो भी नॉन मुस्लिम है लेकिन वो भी मुसलमान, मतलब ये मुस्लिम लीग के फैन है। और जब बन्नत वाला साहब की रैली होती थी और ये सब होता, तो वो लोग पीछे पीछे भागते थे उसके लिए। तो असल मुसलमान नहीं है, बन्नत वाला साहब एक ऐसे स्पीकर थे अपने टाइम पर, 7 times मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं वो, 35 उन्होंने किया है। तो उनकी स्पीच सुनने के लिए आप एक ना अपोजिशन पार्टी भी चुप बैठती थी। अच्छा। उनकी स्पीच, वो उनकी उनकी आवाज में, उनके बोलने में जो एक अंदाज था, लोग चुप बैठते थे सिर्फ और सिर्फ उनकी स्पीच सुनने के लिए, पूरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो ये जहां तक रही मुस्लिम लीग में, इतने स्टारवर्स रहे, इतने अच्छे अच्छे लोग रहे हैं हमारे पास सीखने के लिए उनके पास बोलते। जहां तक रही बात चमकाने की मुमरा में, मुमरा में ऐसा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम काम कर रहे हैं, बाकी तो अल्लाह इज्जत देने वाला है। और चमकाने की बात तो बस अल्लाह इज्जत देने वाला है। अल्लाह तो सभी को इज्जत देता है, अल्लाह जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे। आपने वो एक सूरह है जिसके अंदर वतुमंतशा, जिसके अंदर ये इसका मतलब ये है कि अल्लाह जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे इज्जत दे, ठीक है। तो ये अल्लाह जो है वो इज्जत देने वाला है। और हमको ऐसा लगता है कि हमको हमारे पाथ पे, हमारे रोड पे, हमारे रास्ते पे सीधा चलना है। और मुझे आज बहुत सारे इंसिडेंट आज भी उम्रा में ऐसे हुए हैं, कल परसों की बात है, जो ऐसे ऐसे लोग जो हम वेट करवाते थे, रुक मतलब बात करते नहीं थे, या ऐसा था कि मतलब कभी कभी बोलते हाँ ठीक है आज मिलेंगे, हाँ कल, आज वो लोग सामने से आज बोलते कि हमको आपसे मिलना है या बैठ के बात करेंगे। ये हाँ, कैसा चेंजिंग आया, ये मतलब आपने ऐसा हाँ, क्या किया? तो वो अब शायद लोगों का नजरिया बदलने लगा और हमारा काम लोगों को समझ आने लगा। हमने लीगल तरीके, क्योंकि ना आज मुस्लिम लीग मुमरा में पहचानी जाती तो सिर्फ और सिर्फ अपने एक लीगल वर्क की वजह से। अच्छा। और हर कोई बोल सकता है लीगलिटी में क्या क्या है, मतलब लीगलिटी ही क्यों आपका एक हथियार बना? हाँ। और जिससे आपको लगा कि लंबे सफर तक मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा ना, आप कानून को ही अपना हथियार बना के अपने काम निकाल सकते हो, क्योंकि कानून क्यों बना है, हाँ हम कानून क्यों बना है? कानून इसीलिए बना है ना कि आप जो है वो कोई गलत ना करे, और अगर कोई गलत करता है तो उसकी पनिशमेंट भी दी हुई है ना कानून में। तो हम लोग क्यों अपना गलत काम करें? हम जो है, मैं खुद अगर मैं लॉ पढ़ रही हूँ तो मेरे लिए ये है कि भाई मैं जो है वो सही काम करूँ और कानून के दायरे में रहकर काम करूँ। अगर मैं कानून के बाहर काम करती हूँ तो कहीं ना कहीं मैं भी पिनलाइज होती हूँ उस चीज के लिए, ठीक है। तो मैं हमेशा समझती हूँ कि कोई भी काम जो है कानून के दायरे में, कल को कोई आपको ना पकड़े और बोले कि भाई तुमने ये काम गलत किया या तुमने ये इलीगल काम किया। और मेरे हर हर काम में, चाहे वो टोरेंट का मसला हो, चाहे वो हॉस्पिटल का मसला हो, चाहे स्कूल का जो हम लोग का चल रहा है, हर चीज में हम लोग पेपर वर्क के साथ काम करते हैं। कि आज जो है कोर्ट में जाओ या कहीं पे भी जाओ, पेपर की जितनी अहमियत है उतना वर्बल ही नहीं है, वो ओरल ही नहीं है। तो इसलिए अपने कामों में जो आपको वो हमेशा पेपर वर्क में स्ट्रांग होना चाहिए हमें। तो ये हमारा एक मेन हथियार, और हर जगह आप किसी से ही पूछ लो, मुस्लिम लीग को हमेशा से जो है वो अपने काम, अपने डॉक्यूमेंटेशन की वजह से और लीगल वर्क की वजह से पहचानी जाती है, जाना जाता है। आने वाले समय में हर एक जो सत्ताधारी पार्टी होती है, शिवसेना हो, कांग्रेस हो या राष्ट्रवादी हो, बहुत सारी पार्टियां से महाराष्ट्र में, जैसे अभी आघाड़ी सरकार गिर गई, फिर बीजेपी ने बनाए, तो सत्ताधारी जो लोग होते हैं वो अपने सारे हथकंडे अपनाते हैं, और जैसा जो कोई कमजोर दिखा तो उसको दबाने का काम भी करते हैं, मतलब मड़ोड़ी देते हैं उसकी मुंडी वगैरह। तो कुल मिला के ये है कि आने वाले समय में अगर आपकी सत्ता आई जी, तो क्या क्या लोगों के बीच में और प्लान है आपका? या फिर और भी एक सवाल साथ में दे देता हूँ कि इंडियन मुस्लिम लीग, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, हाँ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जो पार्टी है शहर में, मुंबई में, तो जब ये काम करेगी ऊपर, तो इनके महाराष्ट्र के अंदर
जो MLAs होंगे या ऊपर के पार्टी के लोग रहेंगे, तो यहाँ से आप क्या लेके जाएंगे जब सत्ता में अगर आप आए तो? कुछ नगर सेवक होंगे आपके, और या फिर जब ये पार्टी काम करती है, टैक मार्क क्या है, ज्यादा से ज्यादा इस पार्टी से जुड़े हुए मुस्लिम लोग, तो वो जब ऊपर काम लेके जाएंगे, जैसे कि हमारे शहर में राष्ट्रवादी का बहुत दबदबा है, ठीक है, उसके बाद में जब वो ऊपर काम करने जाते हैं तो नॉन मुस्लिम आते हैं, उसके ऊपर भी नॉन मुस्लिम आते हैं, उसके ऊपर भी नॉन मुस्लिम आते हैं, तो कहीं ना कहीं जाके काम तो मिलके ही करना पड़ेगा ना, तो क्या करेंगे? नहीं तो मैंने तो आपको पहले ही बता दिया कि मुस्लिम लीग जो है एक सेक्युलर पार्टी है। यस, तो उसके लिए कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, कोई नहीं, हर कोई भारत का जो है वो एक इंडियन सिटीजन है, ठीक है। और आपकी, मैंने कहा ना, मुझे जो जो बात किसी और पार्टी में नहीं लगती वो मुझे सिर्फ मुस्लिम लीग में लगती है। तो जो भारत के, और ये बात भी बहुत सच है कि भारत के संविधान में जो लिखा हुआ है और मतलब उसको लेकर मुस्लिम लीग चलती है, कानून को लेकर चलती है, और सारा मतलब काम काज जो करती है अब तक मेरा जितना भी मैंने अब तक जितने भी मैंने पर्सनली मेरे हमारे जो MPs है मैंने उनसे मेरी मुलाकात हुई है और बाकी सब लोगों से, तो जहां तक है वो लोग हमेशा, मैंने कभी नहीं देखा, इनफैक्ट मैं अभी कल चेन्नई जाने वाली हूँ, वहां पर मैं विजिट करूंगी इस बात के लिए, और वहां पर मैं देखूंगी इंशाल्लाह कि किस तरीके से हमारे वहाँ के काउंसिलर, कॉर्पोरेटर्स और MLA वगैरह वहां पर कैसे काम करते हैं, उनसे अब इंशाल्लाह जाके सीखूंगी कि किस तरीके से वो लोग काम करते हैं, और इंशाल्लाह उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हम लोग मुमरा में भी करेंगे। यस, करना भी चाहिए। और आने वाले दिनों में जहां तक रही बात मुमरा में क्या सुधार करने की और हमारे क्या एक्शन प्लान है, एक्शन प्लान तो मतलब माशाल्लाह मतलब हम लोगों ने बहुत अच्छा एक मतलब एक एजेंडा बहुत सारा हम लोगों ने बनाया उसके अंदर। पिछले टाइम फरहत आपने मतलब लोग पहले जैसे आपने कहा कि मुझे लोग मतलब टाइम नहीं देते थे और बोलते थे कि बोले अभी नहीं, बाद में मिलेंगे, नहीं, और हाँ, जो हाँ, भी है उनके हाँ, पास मतलब ऐसा कि इसको क्यों टाइम दे और आज क्यों टाइम दे रहे, तो वो और अब तक का जो कार्यकाल रहा आपका जिससे मुमरा शहर में फरहत शेख पहचानी गई, तो बताइए ना क्या क्या आपने ऐसा काम किए थे? देखिए कैसे है ना, कभी मुझे कुछ जरूरत है या मुझे कुछ काम है तो मैंने कहा कि फला फला इंसान है, यहाँ पर जाके आप जरा इनसे ये कर लो, तो उनके पास टाइम नहीं होता था या ऐसा वो बोलते थे कि ठीक है आज टाइम है, हम मिलते हैं, ठीक है हाँ बताते हैं, लेकिन वो काम मेरा नहीं हो पाता था। लेकिन अल्लाह का बहुत एहसान है कि आज जो हम अपने काम, आज शायद मैं ये बोलूँगी आज मुस्लिम लीग और फरहत शेख जो है वो कहीं ना कहीं हम अपने काम से बहुत ईमानदार है, हम ऑनेस्ट है, हमारे जो मुमरा के जो लोग हैं उनकी सहूलतें उनको मिले उस बात से हम बहुत ऑनेस्ट है, और हमारे डॉक्यूमेंटेशन बहुत स्ट्रांग है और उससे भी ऑनेस्ट है। हाँ, तो हम लोग जो है किसी भी तरीके से हमारे दिल में हमारा जमीर मरा नहीं है, हम जो है ईमानदारी से हर चीज कर रहे हैं, हर काम में लड़ रहे हैं, और जहां पर गलत होता है वहां पर हमेशा मुस्लिम लीग खड़ी हुई है और खड़ी रहेगी आने वाले दिनों में भी। तो शायद अब लोगों का नजरिया बदलने लगा है, देखते कि भाई अब चमत्कार को नमस्कार, अब लोगों का जो है नजरिया बदलने लगा है, अब लोगों को समझ आने लगा है और काम की वैल्यू समझ में आने लगी है कि जो ये लोग किस तरीके से एक क्या कह सकते हैं कि कानून को लेके किस तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है। अभी एक नॉर्मल सा काम है, अगर मेरे घर के पास से एक नाला जा रहा है जो ब्लॉक है, तो ये मैं एक आम इंसान भी कंप्लेंट देके करवा सकती हूँ, सही हाँ। लेकिन हमको हम जो है लीगल रिप्रेजेंटेटिव हम जो है वो रिप्रेजेंटेटिव क्यों चुनते हैं, क्योंकि हमारे एरिया के काम जो है वो करवाए उनके जिम्मे सौंपे जाते हैं, हाँ उनके जिम्मे हम लोग सौंपते हैं। तो आप अगर कोई वो काम वाम नहीं करते हो और अगर वही काम हमको करना पड़ता तो आपका उनका होके कोई फायदे का नहीं है ना। यस, आप यूज में ही नहीं है। हाँ, तो आप जो है अपने काम से लॉयल रहा के रहे मेरा, और आने वाले दिनों में जो हमारे जो काम है जिसके अंदर बहुत अच्छी खासी लंबी चौड़ी लिस्ट है, जिसको बहुत और सबसे पहला फोकस हम लोगों का जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो नशे के ऊपर है, जो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसकी वजह से बच्चों में ड्रॉप आउट बहुत ज्यादा पाए जा रहे हैं, एजुकेशन लेवल कम हो रहा है और बच्चों की स्किल्स कम हो रही है, और जो है एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, प्लस एम्प्लॉयमेंट कम हो रही है यहाँ पर, लोग जो है वो फजूल में होता, मैंने देखा है कि काफी टाइम पे लोग खड़े रहते तो हैं काम, इसको इस माहौल को जिम्मेदार ठहराएंगे या फिर फैमिली से?
देखिए कहीं ना कहीं जो है वो सॉरी कहीं ना कहीं जो है वो माहौल को ऐसा बनाया गया है जहां तक मुझे लगता है क्योंकि मैंने बहुत सारे एरियाज में नोटिस किया, मतलब आसान हो गया ना लोगों को कि खूब नशा करवा देवे क्योंकि माहौल बन चुका है, रेडी है। अभी कैसा होता है, देखो बहुत सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ। अगर मैं मुमरा में 3 सीट पे जा रही हूँ बाइक पे, ठीक है, तो मुमरा स्टेशन तक कलवा तक वहां पे मुझे कोई नहीं रोकेगा और बोलेगा नहीं कि आप 3 सीट पे जा रही हो, आप गुनाह है ये, ठीक है, मैं बिना हेलमेट के जा रही हूँ। यही आप माझीवाड़ा पे आगे चलो, हाँ आप वहीं पे माझीवाड़ा पर पहुंच जाओ तो आप खुद बोलते हैं नीचे उतर आगे आगे बैठते कि वहाँ पर मतलब कानून है, वहाँ पर मुमरा में कानून, मुमरा में आप खिलौना समझ रहे हैं, मुमरा में आपने कानून को स्ट्रिक्ट क्यों नहीं किया, मुमरा में आपने क्यों नहीं किया, ठीक है। तो ऐसे बहुत उदाहरण अगर मैं देने चाहूँ तो आपने ढील क्यों रखी यहाँ पर। कानून को मैं कहती हूँ कि कानून जो हमारी सेफगार्ड के लिए होता है तो ये उसको फॉलो कीजिए ना आप। तो आप जो बोल रहे हो माहौल भी बनाया गया है, कहीं ना कहीं फैमिलीज को भी अपने बच्चों को जो है वो थोड़ा समझाना चाहिए क्योंकि आज मैंने देखा है लड़कियां भी जो है वो कहीं ना कहीं नशे में इन्वॉल्व है, जो कि बहुत गलत बात है क्योंकि एक जो माँ होती है या घर की लेडीज होती है वो पूरा घर बनाती है। और अगर माँ जो है वो पढ़ी लिखी हो, एजुकेटेड हो या अच्छी तालीम लेती हो तो पूरा घर एजुकेटेड होता है। क्या बात। और अगर आप अगर वैसे नहीं करोगे तो फिर पूरे घर वालों का क्या होगा, यानी आज आपकी जनरेशन खराब हो रही तो पीछे और भी तो जनरेशन आपसे आने वाली है तो वो कैसे आएगी। और हम मुसलमान जो है वो हमने कभी ये सब चीजें हमने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों पे नहीं चल रहे हैं, हमने हमारे इस्लाम के बताए हुए तरीकों पे नहीं चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमको सामना करना पड़ेगा इस चीज का, कहीं ना कहीं इसी वजह से आज हम लोग बेयर कर रहे हैं। अगर इतनी तकलीफात आ रही है, अगर इतनी सही चीजें हम फेस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने जो है वो रिलीजन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसी वजह से आज हम लोग ये सब चीजें भी फेस कर रहे हैं। तो नशा जो है वो सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये मेरा बहुत मतलब कि मेरे बहुत क्लोजली मैं बोलूंगी कि ऐसे ऐसे लोग हैं जो नशे की हालत में होकर जो है उनका घर बर्बाद हुए है, उनकी फैमिलीज बर्बाद हुई है। तो हम लोग का जो ये है कि एक सुधार ग्राम उमरा में होना चाहिए नशे के लिए, तो वहाँ पर जो है बच्चे जो है वो थोड़ा वो सुधार के निकले और उसके बाद उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी हम लोग इंशाल्लाह जो है वो काम करवाएंगे और कुछ जो छोटे बच्चे उनके लिए एजुकेशन का काम करेंगे, ये हमारा प्लान है वहाँ पर। और उसके बाद जो है हम लोगों ने औरतों के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का जो है वो सोचा है कि घर में बैठे बैठे भी औरतें जो है अपना कहीं ना स्मॉल स्केल, हाँ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो घर में बैठे बैठे छोटे छोटे जो काम होते हैं वो जो है औरतें घर में रहके जो है अपने आप को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बना सकती है उसके अंदर। यानी कि मुस्लिम लीग जो है मुमरा शहर में रोजगार के लिए काम करेगी इंशाल्लाह। और साथ ही साथ में एक बहुत अच्छी बात आपको मैं बताना चाहती हूँ, जब केरला और तमिलनाडु वगैरह उस तरफ की अगर हम बात करें वहां पर जो है वो होली प्लेसेस यानी मस्जिद मंदिर गिरजा घर या कहीं वहां पर इलेक्ट्रिसिटी पानी फ्री है। अच्छा। हाँ, और वहाँ के मौलवी को और वहाँ के प्रीस्ट को मतलब जो है वो सैलरी जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से आती है। आप बात कर रहे हैं केरला की हाँ, यानी साउथ में जहाँ पर हमारी मुस्लिम लीग जो स्ट्रांग है वहाँ पर जो है ये सारी जो है वो सरकार की तरफ से आती है। तो हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि आने वाले TMC इलेक्शन में अगर हमारी जो पार्टी अगर सत्ता में आती है तो हम ये प्रस्ताव जो है वो महासभा में रखेंगे कि हमारे जो प्रीस्ट है उनको तनख्वाह जो है वो सरकार से मिले और वहां पर ऐसी जगह पे पानी और इलेक्ट्रिसिटी फ्री हो इंशाल्लाह। तो ये तो कुछ छोटी मोटी चीजें बता दी मैंने आपको जो हमारे जब अभी फिलहाल मेरे जहन में थी। प्लान बड़े है। हाँ, प्लान्स तो बहुत है और इंशाल्लाह एग्जीक्यूट भी होगा, उसको एग्जीक्यूट भी अच्छे से करेंगे। बस इंशाल्लाह अपनी मेहनत हम जारी रखेंगे तो सत्ता में भी जरूर आएंगे और एक ना एक दिन ये हम लोग ये मेरा और मेरे डैडी का प्लान है कि मुमरा प्रवास समिति पे मुस्लिम लीग का झंडा लहराएंगे इंशाल्लाह। क्या बात है। जो फरज शेख, आज आप फैमिली से मतलब आपको क्या सपोर्ट मिला और किस तरह से आप यहाँ तक पहुँच गए? देखिए फैमिली ही मैं बोलती हूँ कि हमेशा बहुत एक मजबूत सपोर्ट रहा है और मेरे हम लोग 6 भाई-बहन हैं लेकिन मेरे डैडी ने हर किसी के पीछे कोशिश की है, जो बच्चे जितना पढ़ना चाहे जो करना चाहे वो करे, ठीक है, क्योंकि आज उनको रियलाइज होता है वो चीज के ना जो चीज शायद मैं नहीं करूं मेरे बच्चे करेंगे ये। हाँ, तो उन्होंने हर किसी के पीछे जो है वो कोशिश की है। वो बोलते ही रहते थे मतलब कि मैं कुछ नेता बनूं या मैं काम करूं तो आज मैं अगर मेरे बच्चों को एजुकेशन देने में मेरा वक्त लग गया तो आने वाले समय में जो मेरी ख्वाहिशात है अच्छी पार्टी से खड़ा करके नगर सेवक बनाऊं या कुछ और भी बनाऊं तो वो मैं मेरे बच्चों में देखना चाहता हूँ। देखिए क्योंकि
एक माँ बाप जो है ना वो इतने सेक्रीफाइस करते हैं अपनी औलाद के लिए, हमारे लिए भी बहुत किया गया और खास कर से मतलब हर बच्चे के पीछे मेरे डैडी ने बहुत ज्यादा मेहनत की है। जिसने अपना अपना जिसने चाहा शादी किया, जिसने शादी करके अपनी फैमिली आगे बढ़ाई दी, तो किसी ने चाहा कि भाई हम जो अपने एक किसी प्रोफेशन को लेके आगे बढ़े, तो उसमें से मैं और मेरा भाई जो है आमिर जो है वो अपना लीगल वर्क में आगे निकल गया क्योंकि वो एडवोकेट है अभी माशाल्लाह, तो वो अभी एडवोकेसी कर रहे हैं। उनके भी प्लान्स बहुत है क्योंकि कहीं ना कहीं लोग जो है बोलते ना मजबूती चाहिए, तो मेरे जो दो कंधे मजबूत है ना, एक आमिर की वजह से और एक मेरे डैडी की वजह से, सच में मतलब प्राउड ही फील है। हाँ, और वैसा होना भी चाहिए। और मैं नहीं मतलब मुझे लगता है कि उनको मुझ पे प्राउड फील हो रहा है या नहीं, उनको ऐसा लगना चाहिए कि उनकी बेटी का वो मायने नहीं रखेगा, बट आपने उनको इम्पोर्टेंट दिया और दोनों कंधे मजबूत अगर है फरज शेख दोनों कंधे मजबूत इसीलिए और उनके भाई से, एक तरफ अमीन शेख एक तरफ आमिर शेख, दोनों आज वो है तभी, बीच में है फरज शेख और बीच में अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये दोनों की वजह से ही आज मैं यहाँ हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं जो है ना मेरे डैडी ने, क्योंकि 2019 की मैं बात बता रही हूँ आपको, जब मैं फर्स्ट टाइम पॉलिटिक्स में कदम रखने जा रही थी, जब मैं इलेक्शन कंटेस्ट करने वाली थी, तब मुझे ना मतलब बहुत लोगों ने ना हम लोगों को क्रिटिसाइज किया था और बहुत लोगों ने मुझसे कहा ये कह रहे लड़की है इसको शादी करके आगे जाना अपनी फैमिली बसानी है, कहाँ पॉलिटिक्स जैसे झंझट में फंसा रहे हो उसको, क्यों कर रहे हो। लेकिन मेरे डैडी ने हमेशा से मुझसे ये कहा था कि किसी की बात नहीं सुनना, यहाँ से निकाल देना, क्योंकि कान खुले रख, तुम्हारे डैडी तुम्हारे पीछे ये कान से सुन और वो कान से निकाल दे। तो कहीं ना कहीं ऐसा था कि जब 2019 के इलेक्शन होने वाले थे, एमएलए कंटेस्ट करने वाली थी मैं, तब बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज किया था कि भाई क्यों लड़की को खड़ा कर रहे हो, कल को इसको अपना घर बसाना है, ऐसा है वैसा है, तो बहुत चीज़ें से सामने आई थी। लेकिन आज जो मतलब उस वक्त मेरे जो डैडी का सपोर्ट रहा है, तो आज उन्हीं की वजह से यहाँ पर हो। और आज मुझे ये बताते हुए बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि जो लोग मुझे क्रिटिसाइज करते थे आज वो अपनी बेटियों को भी फील्ड पर लेकर आ गए। अगर आप उमरा की पॉलिटिक्स को देखोगे तो आज कई लड़कियों ने जो है वो पॉलिटिक्स में अपना इंटरेस्ट दिखाया है और कहीं ना कहीं वो है उसका उदाहरण। हाँ, फरज शेख है। तो आज कहीं ना कहीं हम उतरे हैं, हमको देख के लोगों ने अपनी अपनी बेटियों को भी उतारा है, तो ये एक बहुत बड़ी मैं बोलूंगी एक ट्रांसफॉर्मेशन है मुमरा की हिस्ट्री में, मुमरा की पॉलिटिक्स में, कि आपने जिसको क्रिटिसाइज किया आज वो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन का मैं बड़ी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि आज लड़कियां भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है। लेकिन एक दुख की बात ये भी है कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो लड़कियां उतरी है वो एक किसी के हाथ की कठपुतली है, क्योंकि वो किसी सो कॉल्ड मानने के गाइडलाइंस पे चलती हूँ, उनका अपना खुद का कुछ मेंटल स्टेबिलिटी नहीं नजर आती मुझे। मतलब वो हर चीज में आप कहते हैं वो कि भाई इनके मार्गदर्शन से उनके मार्गदर्शन से, तो आपका जो है वो आपका कहाँ पर मार्गदर्शन, आप कैसे दोगे किसी को मार्गदर्शन, आपका सेंस क्या बोलता है, आप अपने दिमाग से कब काम करोगे, आपकी लीडरशिप कहाँ दिखाओगे आप, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप चल रहे हो ठीक है, लेकिन आपको भी तो कहीं ना कहीं लीडर बनना है और आपको पीछे आपके फॉलोअर्स रहेंगे, तो आप उनको क्या सीख दोगे। ठीक है, तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि मतलब आप हर लड़कियों को अपने अपने फील्ड में अपने अपने इंटरेस्टेड फील्ड में उतरना चाहिए, चाहे वो फिर पॉलिटिक्स ही क्यों ना हो, लेकिन जो है वो अपने अपने माइंड को कहीं ना कहीं जो है वो एक्टिव रखना चाहिए, अपने माइंड को भी चलाना चाहिए, और किसी के सो कॉल्ड मानने के मार्गदर्शन पे चलते रहेंगे तो फिर मुमरा की नैया हो गई पार फिर। तो ये है फरज शेख मुमरा शहर से, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से, और इन्होंने अपना झंडा लहराया है हरा कलर का मुमरा में, और आने वाले समय में बहुत सारे मुद्दे लाएंगे और पूरे एविडेंस के साथ हमेशा से, है ना, हमेशा से। तो खैर, हमारी भी शुभकामनाएं इनकी पूरी टीम की लिए और इनकी पूरी पार्टी के लिए, यूं ही काम करते रहें, अच्छा लोगों में जनता के हित में काम हो, और जब भी शहर में किसी की ज़रूरत पड़ती है तो लोग भी इनके साथ आना चाहिए, और ये हमारी शुभकामनाएं हैं आपकी टीम के लिए और आने वाले वक्त के लिए। तो फरज शेख, कभी आपने सोचा था आपको FK स्टूडियो में जाने का मौका मिलेगा? नहीं, मुझे तो ये भी अभी भी पता चला कि आपका जो है वो स्टूडियो अभी चालू हुआ, तो बहुत अच्छी बात है कि
आपने जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो काम चालू किया, क्योंकि मैं आपको प्रीवियसली मेरा जो फर्स्ट आपसे जो इंटरेक्शन हुआ था वो मुझे जहां तक याद है बॉडी बिल्डिंग का जो आपने एक बड़ा सा शो जो रखा था, हम लोग प्रोग्राम करते हैं वहां पर, और उसमें आपका एक्चुअली मोटिव ये था बताने का कि लड़के जो है या कोई भी इंसान जो है वो नशे को न देखते हुए अपनी हेल्थ को किस तरीके से बना सकते हैं, तो वो उसका एक मोटिव था वहां पर। वहां पर मैं पहली बार जब वहाँ पर आई हुई थी, अच्छा हाँ, हम लोगों ने सत्कार वगैरह किया था, तो मैं वहाँ पहली बार वहाँ पर आई थी, तो पूरे फैमिली के साथ आए थे, तो वो एक मोटिव जो है वो शो करने का बहुत ज्यादा अच्छा था, क्योंकि अपनी सेहत पे अपने आप को फिट रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, और मुमरा में जिस तरीके से माहौल चला है ठीक है, तो वो उस माहौल में लोग आज आप देखो किसी भी लड़के को ऐसे पतले दुबले होते हैं और कहीं जान नहीं बची है, मतलब अपने आप पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपका जो शो था वो एक बहुत एक लैंडमार्क था, कि एक बहुत अच्छा एक मैसेज था लोगों के लिए कि नशे को छोड़कर जो है अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, हिट रहो और फिट रहो। अच्छा, ये आपका टैगलाइन था क्या, नशा भगाओ बॉडी बनाओ। माशाल्लाह, तो ऐसे ही जो है शो होते रहे या ऐसे ही कुछ फील्ड वर्क होते रहे तो शायद सुधार आएगा इंशाल्लाह, इस साल भी करेंगे, बेहतर करेंगे, क्योंकि जैसा माहौल बदल रहा है और 2022 आ रहे, बहुत सारी चेंजिंग आ रही लोगों में, और अवेयरनेस के लिए बहुत सारे प्रोग्राम, बहुत सारी संस्थाएं हैं, मुमरा शहर में भी है और थाने जिले में भी है, अपने अपने टेक्निकल से काम करती है। इस वक्त यही रहेगा कि हमें और आपको किसी के मार्गदर्शन की जरूरत नहीं है, हमारा मार्गदर्शन हमारी फैमिली है और इंशाल्लाह उसी पे हम लोग खरा उतरेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए, बहुत थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।